इब्राहम लिंकन की जिंदगी के शुरू के साल मुसलसल गुर्बत और दीगर मुश्किलात में गुजरे। एक क्लर्क और डाकिये की हैसियत से जिंदगी शुरू करके मुसलसल जदोजहद के बाद अमरीका का 16वां सदर बना। 1809 में अमरीकी रियासत कंटकी में पैदा हुआ। अपनी जाती जदोजहद और मेहनत से कानून का इम्तहान पास किया और वकालत का पेशा अख्तियार किया। सियासत में दिलचस्पी लेनी शुरू की और आखिरकार अमरीकी कांग्रेस का रुकन मुंतखब हो गया। 1856 में अमरीका की रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गया। 1860 में पहली बार अमरीका का सदर मुंतखब हुआ। 1864 में दूसरी बार अमरीका का सदर मुंतखब हुआ। इब्राहम लिंकन किसी एक इंसान को किसी दूसरे इंसान का ग़ुलाम होना गैर फितरी समझता था। अमरीका में ब्लैक्स यानी खबशियों को ग़ुलामी से आज़ाद कराने की सर तोड़ कोशिश की और आखिरकार अपनी मेहनत के बाइस 1863 में ब्लैक्स यानी खबशियों की आज़ादी का ऐलान किया। इब्राहम लिंकन को स्लेवरी यानी ग़ुलामी पसंद नहीं थी, लेकिन वो वाइट्स या सफ़ेद फार्म लोगों को बेहतर समझता था। अमरीका में $5 के करेंसी नोट पर इब्राहम लिंकन की तस्वीर होती है। 1865 में एक पागल शख्स ने इब्राहम लिंकन को फोर्ड थिएटर में ड्रामा देखते हुए गोली मारकर कत्ल कर डाला। मुझे वो आदमी याद आता है जिसने अपने माँ बाप को कत्ल कर दिया। जब उसे सजा सुनाई जाने लगी तो उसने इस बिना पर रहम की दरख्वास्त की कि वो यतीम है, अगर मजदूर ना होते तो सरमायादार कभी जन्म ना ले सकता, ये सिर्फ उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। आज़ादी छिन जाए तो फिर तुम्हारे पास क्या रह जाता है। आज़ादी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसकी तारीफ मुश्किल है। वो हुकूमत जो अवाम की हो, जिसे अवाम ही चलाएं और जो अवाम की बहबूद के लिए हो, वो रूए ज़मीन से कभी नाबूद नहीं होगी। मेहनत सरमाए से आला व अरफा है और इससे बिल्कुल आज़ाद है। सरमाया तो खुद मेहनत का नतीजा होता है और कभी पैदा ही ना होता अगर पहले से मेहनत का वजूद ना होता। मेहनत सरमाया से बेहतर है, इसलिए वो इस बात की हकदार है कि इसका ज़्यादा लिहाज किया जाए। तुम अपने आप को आलूदा किए बगैर किसी शख्स को गंदी नाली में दबा कर नहीं रख सकते। अक्सर लोग इतने ही खुश होते हैं जिस हद तक उनका खुश होने का इरादा होता है। गडरिया भेड़ को भेड़िए के पंजे से छुड़ाता है जिसके लिए भेड़ उसे अपना मोहसिन समझती है, लेकिन भेड़िया गडरिए को बुरा भला कहता है और इसे अपनी आज़ादी पर हमला करार देता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि जब हज़ारों अफराद को ग़ुलामी से आज़ाद कराया जाए तो कुछ लोग इसे आज़ादी का नाम देते हैं और दूसरे आज़ादी छीनने का इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं किताबें पढ़ने के शौक के तहत 50-50 मील का फासला तय करके अपने दोस्तों से किताबें मांगकर लाया करता हूँ। जहाँ तक मुमकिन हो किताबों का बग़ौर मुताला करो, हर वक्त काम में मगन रहो, इसी में कामयाबी का सारा राज पोशीदा है। मुझे ये खबर नहीं कि मेरा दादा कौन था, मुझे अगर तशवीश है तो सिर्फ ये है कि उसके पोते को क्या होना चाहिए। दुनिया की तारीख में किसी ऐसे फ़िलासफ़र का रिकॉर्ड मौजूद नहीं जो खुश रहा हो। तुम एक शख्स को हमेशा धोखे में रख सकते हो, तुम बहुत से आदमियों को कुछ अरसा के लिए धोखे में रख सकते हो, लेकिन तमाम आदमियों को हमेशा के लिए धोखे में नहीं रखा जा सकता। आखिर में ये बात अहम नहीं कि आप कितने बरस जिए, बल्कि अहम ये है कि आपने उन बरसों में ज़िंदगी कैसे गुजारी। आप ताकतवर को कमज़ोर करके कभी कमज़ोरों को ताकतवर नहीं बना सकते। आइन के साथ किसी किस्म की छेड़खानी ना कीजिए, इसे हर हालत में बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आज़ादी और तहफ़ुज़ का ज़ामिन है। अगर आपका मकसद ही ये है कि किसी में बुराई तलाश की जाए तो वो यकीनन मिल ही जाती है। मैं अवाम पर कामिल यकीन रखता हूँ,
अगर उन्हें सच्चाई से आगाह किया जाए तो वो सख्त तरीन बुहरान का भी सामना कर सकते हैं, लेकिन पहले उन्हें सच बताया जाए। जो दूसरों की आज़ादी छीन लें, उन्हें भी आज़ाद रहने का कोई हक हासिल नहीं। पहले पूरी एहतियात से कदम सही जगह पर रखिए, फिर मजबूती से खड़े हो जाइए। बुराई होती देखकर एहतजाज करने की बजाय खामोश रहना बुजदली की अलामत है। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप जो कुछ भी हैं हर हाल में नेक रहें। मैं आहिस्ता चलता हूँ मगर मैंने कभी पीछे कदम नहीं उठाए। नाकाम होना नहीं बल्कि उस अमर पे दिल छोड़ बैठना असल नाकामी है। मैं गुलाम बनना नहीं चाहता और ना ही मालिक। मेरा फ़लसफ़ा जमहूरियत यही है। अगर आप दिल का इत्मीनान चाहते हैं तो शोहरत से दूर रहिए। बैलेट यानी वोट, बुलेट यानी गोली का हकीकी और बेहतरीन जानशीन है। जब भी किसी को गुलामी के हक में बोलता देखूं, तो मेरा जी चाहता है कि ख्वा कुछ देर के लिए ही सही इसे भी गुलाम बना दिया जाए। कोई भी आदमी इतना अच्छा नहीं कि वो किसी दूसरे आदमी की मर्जी के बगैर उस पर हुकूमत कर सके। एक बुरे कानून को मनसूख करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उसे सख्ती से नाफिज किया जाए। मैं ऐसे शख्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता जो अपने गुजरे कल की निस्बत आज ज़्यादा समझदार नहीं है। उसे तनकीद करने का हक है जिसका दिल मदद करने वाला है। मैं जीतने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चा होने का पाबंद हूँ। मैं कामयाब होने का पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मैं उस रोशनी से जीने का पाबंद हूँ जो मेरे पास है। मुझे हर उस शख्स के साथ खड़ा होना चाहिए जो सही मौक़िफ़ पर खड़ा हो, और जब वो गलत रास्ता अख्तियार कर ले तो उससे अलहदगी अख्तियार कर लेनी चाहिए। जब मैं अच्छा अमल करता हूँ तो अच्छा महसूस करता हूँ, और जब बुरा अमल करता हूँ तो बुरा महसूस करता हूँ। यही मेरा मज़हब है। मुझे वो आदमी पसंद नहीं है, मुझे उसे मज़ीद बेहतर तरीके से जानने की ज़रूरत है। दोस्त वो होता है जिसके दुश्मन वही होते हैं जो आपके होते हैं। अगर मेरे दो चेहरे होते तो क्या मैं ये चेहरा पहनता? किसी भी आदमी के पास कामयाब झूठा होने के लायक अच्छी याददाश्त नहीं है।